ये सबसे अहम और सबसे बड़ी खबर आप कीजिए। हम बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किसान सम्मान निधि योजना की नई किस्त जारी की और 9 करोड़ किसानों के खाते में करीब 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। इस दौरान पीएम मोदी ने अपने संबोधन में विपक्ष पर जमकर हमला बोला। जी हाँ किसान भाइयों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 15वीं किस्त है किसानों के खाते में मिलना शुरू हो गई है। अगर आपको भी पीएम किसान योजना की 15वीं किस्त का लाभ नहीं मिल पा रहा है तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। आप सभी किसान भाइयों को बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना 6,000 रुपए की धनराशि केंद्र की मोदी सरकार किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत ट्रांसफर करती है। आपको बता दें यह पैसा किसानों के खाते में सीधे पीएम मोदी डीबीटी के माध्यम से जारी करते हैं। वहीं जो किसान पीएम किसान योजना की 15वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो उन सभी किसान भाइयों को बता दें कि जो 15वीं किस्त का वितरण है अक्टूबर और नवंबर महीने में किए जाने वाला है। यानी कि जो किसान पीएम किसान योजना की 15वीं किस्त का इंतजार कर रहे थे उन सभी किसान भाइयों का इंतजार खत्म हो गया है। आपको बता दें पीएम किसान योजना की जो किस्त है किसानों के खाते में अक्टूबर और नवंबर महीने में जारी किए जाएंगे। यानी कि कुछ किसान ऐसे हैं जिनको अक्टूबर में मिलेंगे पैसे और कुछ किसान ऐसे हैं जिनको नवंबर महीने में पीएम किसान योजना की 15वीं किस्त मिलेगी। अगर आप सभी किसान भाइयों को पीएम किसान योजना को लेकर किसी प्रकार से समस्या या फिर दिक्कत है तो आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के द्वारा जारी किए गए टोल फ्री नंबर 1-55-26 पर कॉल कर सकते हो, अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। साथ ही आपको बता दें अगर आप भी पीएम किसान योजना के तहत जुड़े हुए हैं तो आपको पीएम किसान योजना के तहत धनराशि बढ़कर मिल सकती है। देखिए अगर आप नए किसान हैं और आपने अभी तक भी पीएम किसान योजना का लाभ नहीं उठाया है तो यह खबर आपके बड़े ही काम की है। देखिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगर आपको एक भी किस्त का लाभ नहीं मिला है तो आपको पीएम किसान योजना के तहत धनराशि बढ़कर मिल सकती है। इसके लिए आपको अपना बैंक अकाउंट को जो है अपने आधार कार्ड से लिंक करवा लेना है। साथ ही आपको अपना भूलेख सत्यापन और EKYC का वेरिफिकेशन करवा लेना है। जैसे ही आप इन सभी कार्यों को कंप्लीट करवा लेते हैं आपके खाते में निश्चित तौर पर पीएम किसान योजना की जो अगले किस्त की धनराशि है 4,000 रुपए कुछ किसानों को 2,000 रुपए की धनराशि मिलना शुरू हो जाएगी। धन्यवाद।